अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ठीक ठाक है ना भाई आप। और अभी मैं बना रही हूँ सहरी का। सहरी का टाइम है, दिख रहा होगा मेरा अनफ्रेश फेस है ना भाई। क्या करूँ, पूरी रात जागती हूँ और फिर सहरी बनाती हूँ बच्चों के लिए, फिर सहरी बनाने के बाद सोती हूँ। असल में इशू ये है मेरे साथ कि मैं अगर सो जाऊँ ना अगर, तो फिर इस टाइम उठना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी, डिफ़िकल्ट बोलूँगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए इस टाइम उठना। मुझसे नहीं उठा जाएगा, हिम्मत नहीं होगी फिर उठने की ना। तो इसलिए मैं पूरी रात जाग के बैठ के अपना मतलब कुछ भी करती रहती हूँ, मोबाइल में कुछ भी करती रहती हूँ। तो बस इस वजह से ना, तो बस अभी मैं बना रही हूँ सहरी। पराठे मैंने बना लिए हैं और आज हमारी जो सहरी है ना थोड़ी सी हटके, थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाए थे। मैंने कल कुछ भी नहीं बनाया था खाने में ना, और मैंने अफ्तारी भी नहीं बनाई थी। अफ्तारी मैंने इसलिए नहीं बनाई थी कि इन्होंने मुझे मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि बस ये चीज़ें खा खा के बहुत दिल भर गया, समोसे पकौड़े छोले दही बड़े और काले छोले, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें ना, ये खा खा के बहुत ज़्यादा दिल भर गया है, अभी दो तीन दिन का ब्रेक लो उसके बाद बनाना। तो फिर मैंने सहरी में अफ्तारी में ना कल कुछ भी नहीं बनाया था। और अफ्तार में फिर ये जो है ना बिरयानी लेकर आए थे चिकन की, तो हमने अफ्तार में चिकन की बिरयानी खाई थी। और ना मैंने तरबूज वगैरह कटिंग कर दिया था, शरबत तो ना लिया था हमने, ये चीज़ मतलब ये चीज़ें खा ली थी। और फिर ये शाम में मतलब अफ्तार के बाद गए थे बाहर, तो ये लाए थे कराची हलीम से, हलीम ले आए थे ये कराची हलीम से, हलीम ले आए थे और कह रहे थे कि तुम पराठे बनाना इसके साथ और हलीम, हम लोग हलीम और पराठा खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज का मतलब आज की जो सहरी है वो थोड़ी हट के सही, हलीम और पराठा बहुत मज़े का लगता है, कभी खा कर देखिएगा हलीम और पराठा अगर आप लोगों ने नहीं खाया। वैसे तो आम सी बातें मतलब खाते हैं, सभी खाते हैं हलीम पराठा और बहुत मज़े का भी लगता है। तो अभी बस मैं पराठे मैंने बना लिए, ये हलीम गर्म कर लूँ और एक साइड चाय बना लूँगी और एक साइड हलीम गर्म कर लूँगी और मेरा काम ख़त्म। और मेन काम जो है ना वो है बच्चों को जगाना इस टाइम, जो कि सबसे मुश्किल काम है। बच्चे नहीं उठते हैं इस टाइम बिल्कुल भी, मतलब बोलते हैं कि नहीं उठाओ, अंधेरा हो रहा है कमरे में, भी उठाना ही लोगों को एक मुश्किल काम है। अच्छा जी, तो यहाँ चल रही है सहरी। हानिया नहीं उठी, सुने हानिया को तो उठा दे, नहीं उठ रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब कह रहे होंगे वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज काफ़ी दिनों बाद मेरा, चलो आज ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग फेंकते हैं। अभी मैं किचन में ही थी, किचन के काम खत्म नहीं हो रहे होते हैं बस, और क्योंकि रमज़ान के दिन है तो रमज़ान के दिनों में ज़्यादा काम होते हैं किचन के। औरतों को तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, औरतों के तो काम तो ख़त्म होते ही नहीं रात तक, और फिर सहरी में दोबारा शुरू हो जाते हैं, फिर सुबह उठो तो फिर दोबारा से काम शुरू हो जाते हैं और लगे रहो बस। अभी मैं बना रही हूँ काले छोले, और ना काले छोलों की रेसिपी मैं सोच रही हूँ आप लोगों को दोबारा से बता दूँ, क्योंकि उस दिन जो है ना एक प्रॉपर वे से मैं आपको आप लोगों को ना बता नहीं सकी थी काले वाले छोलों की रेसिपी। अभी मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है और क्या बन रहा है और किस तरह बन रहा है। अच्छा अभी करूँगी। ये हैं 4 अदद प्याज, इसमें 7 से 8 अदद जो है ना मैंने साबुत मिर्चें ली हैं, और हसबी जरूरत ऑयल, देख सकते हैं ऑयल मैंने कितना लिया है, ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है, 7 से 8 अदद साबुत मिर्चें और 4 अदद बड़े बड़े प्याज ऑयल में फ्राई करके, और 1.5 पाव छोले हैं यहाँ पर, ये भीगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ लोगों को। ये रहे छोले, प्याज भी डन हो चुकी है, मतलब जितनी मुझे चाहिए ना उतनी हो गई है। ये देखो
मैंने छोले ना इसके अंदर डाल देती हूँ, और ना ये ना डार्क हो जाएगी ज्यादा। अब डाल दिए मैंने इसके अंदर छोले, और बस अब इसको ना ढक्कन से ढाप देंगे, और ढाप के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो काले छोले होते हैं ना थोड़ा सा मतलब टाइम लेते हैं गलने में ना, तो इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और बाकी और भी बहुत सारे काम हैं, शाम का खाना भी मुझे अभी बनाना है अफ्तारी से पहले, और क्या कहते हैं अफ्तारी की भी तैयारी करनी, शाम के खाने की भी तैयारी करनी, और टाइम है मेरे पास बहुत कम टाइम। अभी मेरे ख्याल में 3 बजे और 3 मतलब 6 बजे तक मुझे ना सारे काम निपटाने हैं, घर के काम बहुत हैं, अभी मैं काम भी करूँ, और बर्तन भी थोड़े से जमा हो गए यहाँ पे, क्योंकि काम शुरू हुआ ना, सहरी के बर्तन तो सहरी में धुल गए थे, जैसे ही काम शुरू होता है वैसे ही किचन के अंदर, और वो बर्तन जो है ना वो मतलब सिंक के अंदर भरना ना स्टार्ट हो जाते हैं। किचन तो वैसे पूरा साफ था, सहरी में बर्तन वगैरह धो के और सब कुछ करके ना फिर मैं सोई थी, रोजाना इस बर्तन जो है ना सहरी में धुल रही हूँ, सहरी के बर्तन, ताकि जो है ना परेशानी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है या बहुत ज़्यादा सर मेरा फट रहा होता है ना, तो फिर मैं बर्तन नहीं धोती हूँ, फिर मैं सुबह धोती हूँ, वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि बर्तन में धो लेती हूँ। तो अभी घर के काम निपटाऊं जी फ्रेंड्स, तो छोले तो मैंने चढ़ा दिए हैं, वो पकते रहेंगे ऐसा ऐसा अपने मतलब हिसाब से जो भी है। बहरहाल ये कि अभी मुझे एक काम और बाकी है, मुझे अभी भी याद आया कि इनका एक सूट प्रेस करना है मुझे, क्योंकि आज इनको जाना है मस्जिद, उनका स्पेशल इन्विटेशन आया है, इनको दावत आई है मस्जिद से, तो इनको वहाँ जाना है। तो अभी बस मैं इनका सूट प्रेस कर देती हूँ जल्दी से, बाकी और काम भी पड़े हुए वो भी निपटाने। अच्छा जी, ये देखें, ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये टमाटर और हरी मिर्च जो है ना, ये जो छोले में बना रही हूँ ना, ये सब मैंने डाल दिए। टमाटर और हरी मिर्च जब करेंगे, जब छोले जो है ना गल जाएंगे और उसमें हल्की मामूली की कसर रह जाएगी ना, तो फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्चें कटिंग करके डाल देंगे बस, और इसको टमाटर गलने तक ढक दें। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक छोलों का, रोगनी छोले जो उस दिन मैंने बनाए थे और प्रॉपर आप लोगों को दिखा नहीं सकी थी, तो आज ये देखें इसका लुक फाइनल। अच्छा, तो यहाँ मैंने आपको चैनल की जो रेसिपी है ना ब्लैक काले छोलों की, मैंने वो प्रॉपर आप लोगों को दिखा दी है, आप लोग लाजमी ट्राई करें, रमज़ान में ट्राई करें, ये रमज़ान के बाद ट्राई करें, ज़रूरी नहीं है ये तो, लेकिन ट्राई लाजमी करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनते हैं छोले, इनका तो टेस्ट अलग होता है आम मतलब छोलों से ना, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इनका, बहुत मज़ेदार बनते हैं, और लाजमी इसको ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में लाजमी रहेगा कि ये छोले कैसे बने। भी आए हैं मस्जिद से दावत खा के, क्या खाया दावत में? बिरयानी। कौन सी? खतरी। वाओ, खतरी बिरयानी खाकर आए हैं, और ये मिठाई लेकर आए हैं, स्वाद स्वीट्स की मिठाई है ये, मैंने खोल के देख क्या है इसमें, ला भाई। अच्छा, ये पेड़ा है, खाया थोड़ा जी। ये पेड़ा कौन सी स्वीट से है जी फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30, और अभी मैं नमाज पढ़ के बैठी हूँ, कुछ देर हुई है मुझे नमाज पढ़ के बैठने में, कहीं चलो एक क्लिप बनाऊँ, वीडियो का एंड करूँ। देख लिया होगा आप लोगों ने कि मेरा दिन कैसा गुजरा आज का, सिर्फ मैंने छोले नहीं बनाए थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, आलू के पकौड़े थे, मूंग की दाल के पकौड़े थे, और दही बड़े थे, चाट थी, शरबत था, अफ्तारी में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी आज मैंने, काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई 3 से 4 दिन तो आज बाद आज मैंने अफ्तारी बनाई थी ना, तो आज मैंने सही अफ्तारी बनाई थी, खाना भी बनाया फिर मैंने, इतना मतलब कुछ करने में इतना टाइम मतलब मुझे लगा, 2 बजे से मैं लगी हुई थी, नमाज उठी थी ना मैं 1:30 बजे, तो 2 बजे से फिर मैं किचन में गई,
नमाज पढ़ी, ओ सॉरी नमाज पढ़ी, किचन में गई हूँ, फिर जब से मैं लगे लगे मुझे तो 6:30 बज गए थे। 6:30 बजे फिर मेरा काम बिल्कुल फिनिश हो गया था, क्योंकि मैंने सारा काम कर लिया था, खाना तक बना दिया था यानी कि शाम का। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, कल तक ही, अल्लाह हाफिज़।